Hey, hi guys, welcome back to the channel. So, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में एंड ऑल्सो कि क्या रीजन हो सकता है कि हमें बिटकॉइन का प्राइस अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ कि क्या बिटकॉइन का प्राइस $23,800 तक आ जाएगा बिफोर टचिंग अ न्यू हाई विच इज $30,000. सो हम इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, सो बिटकॉइन का प्राइस अभी नियर $27,000 चल रहा है एंड यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है। एंड अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, सो बिटकॉइन अभी मूव कर रहा है इस असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न के अंदर एंड एज यू कैन सी कि अभी बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा गिर रहा है। सो देयर आर चांसेस कि इन केस बिटकॉइन का प्राइस गिरता है देन जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा दैट विल बी $26,200 एंड इन केस बिटकॉइन का प्राइस यहां से भी नीचे की ओर मूव करता है देन जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड $23,700. सो ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे। बट बिफोर दैट राइट नाउ हमें यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था। सो इससे पहले बिटकॉइन का प्राइस इसी राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था बट यहाँ से हमें बिटकॉइन का प्राइस के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला एंड बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना न्यू हाई बनाया विच इज अराउंड $28,300. एंड अगर हम अभी की बात करें, सो अभी जो लेवल पहले वर्क कर रहा था एज ए रेजिस्टेंस वही अभी वर्क करेगा एज ए सपोर्ट एंड देयर आर चांसेस कि इन केस प्राइस यहाँ से नीचे की ओर मूव करता है देन हमें अराउंड $26,200 पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिले। बट यहाँ पर एक नेगेटिव सीनैरियो भी है विच इज RSI. सो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि जो RSI है ऑन द 4 आवर्ली टाइम फ्रेम वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एट द सेम टाइम अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, सो जो बिटकॉइन का प्राइस है दैट इज अपवर्ड मूविंग। सो देयर आर चांसेस कि हमें यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस गिरता हुआ नजर आए। एंड अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बारे में, सो जो हमारा ये सेकेंड सपोर्ट लेवल है ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो उसका रीज़न है CME गैप। सो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि यहाँ पर हमें एक मेजर CME गैप फॉर्म होता हुआ नजर आया है। सो येस्टरडे वो संडे एंड वहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है उसने न्यू हाइज को टच किया है जिसके चलते हमें यहाँ पर एक मेजर CME गैप नजर आया है। सो अगर हम इस गैप की बात करें, सो ये गैप है नियरली $2,700 का। सो यहाँ पर एक हमें मेजर गैप देखने को मिला है जिसके चलते ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस गिरते हुए नजर आए। सो इससे पहले भी हमें एक CME गैप यहाँ पर देखने को मिला था विच इज अराउंड $620। एंड अगर हम उससे पहले भी बात करें, सो यहाँ पर एक जुलाई के अंदर भी एक CME गैप फॉर्म हुआ था बट देयर आर चांसेस कि जो गैप यहाँ पर जुलाई के अंदर फॉर्म हुआ था वो कभी जल्दी फिल ना हो बट देयर आर चांसेस कि जो भी हमें रिसेंट गैप फॉर्म होता हुआ नजर आया है वो जल्दी ही फिल हो जाए। एंड ऑल्सो अगर हम इस पैटर्न की बात करें, सो यहाँ पर आपको क्लियरली शो रहा है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप मूव ले रहा है जिसके चलते हमें बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूव होता हुआ नजर आ रहा है। सो देयर आर चांसेस कि हमें यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिले। एंड ऑल्सो अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें, सो राइट नाउ जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो अभी गिर रही है एंड बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी नियर 69% है। सो यहाँ पर हमारा राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा था जहाँ से अभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो देयर आर चांसेस कि जो डोमिनेंस है वो गिरकर नियर 67% तक आ जाए एंड इन केस बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है देन हमें ओल्ड कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिलता है एंड उसके चलते हमें यहाँ पर जो टोटल मार्केट कैप है ओल्ड कॉइन की वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो देयर आर चांसेस कि इन केस बिटकॉइन की डोमिनेंस ऐसे ही गिरती है एंड ऐसे ही हमें ओल्ड कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिलता है सो उसके चलते यहाँ पर जो ओल्ड कॉइन की मार्केट कैप है वो भी यहाँ से ब्रेकआउट ले सकती है। सो देयर आर चांसेस कि अभी जो बिटकॉइन है उसके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिले और साथ ही साथ जो ओल्ड कॉइन्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करें। बट इन केस हमें बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है एंड बिटकॉइन का प्राइस अगर हमें सडनली गिरता हुआ नजर आता है देन उसके चलते हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड एट द लास्ट अगर हम इथीरियम की बात करें, सो सिंस मार्च जो इथीरियम है वो इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है एंड एज यू कैन सी जो इथीरियम है वो अभी न्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपवर्ड मूव कर सकता है। सो इस रेजिस्टेंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया है। सो जो अभी इथीरियम का प्राइस है वो इस येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर मूव कर सकता है बट एज वी नो कि जो इथीरियम एंड बिटकॉइन है उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कोरिलेशन देखने को मिलता है। सो देयर आर चांसेस कि इस कोरिलेशन के चलते इनके समय बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डंप देखने को मिलता है देन इथीरियम का प्राइस भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए। एंड ऑल्सो जो इथीरियम है उसके अंदर भी जो RSI है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एट द सेम टाइम जो इथीरियम का प्राइस है दैट इज अपवर्ड मूविंग। सो देयर आर चांसेस कि हमें यहाँ पर जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आए। सो लेट्स सी कि क्या अभी बिटकॉइन एंड इथीरियम का प्राइस हमें गिरता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। बट एज वी नो लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा बुलिश है
एंड जैसा कि प्लान बी का जो S2F मॉडल है वो भी काफी क्लियरली वर्क कर रहा है एंड उसी के अकॉर्डिंग अभी बिटकॉइन का प्राइस परफॉर्म कर रहा है। सो अगर हम इस मॉडल की बात करें तो जो बिटकॉइन का प्राइस है वो एग्जैक्टली अभी इस मॉडल को फॉलो करते हुए अपवर्ड मूव कर रहा है एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग 2021 के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $100,000 तक जा सकता है एंड देयर आर चांसेस कि प्राइस इतना चला भी जाए बिकॉज जिस अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस अभी मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ 4x है। सो देयर आर चांसेस कि आने वाले टाइम के अंदर हमें बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश नजर आए एंड ऑल्सो जो भी बिटकॉइन होल्डर्स हैं उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि बिटकॉइन अभी किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है एंड देयर आर चांसेस कि यहां से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक स्लाइट डंप देखने को मिले एंड आफ्टर दैट जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने न्यू हाइस बनाए। सो आपका क्या ओपिनियन है इन सबको लेकर प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन एंड आपको क्या लगता है कि क्या बिटकॉइन का प्राइस पहले $30,000 को टच करेगा या फिर अपना जो CME गैप है उसे फिल करेगा, प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन। So that's it for today's video. Thanks for watching this video. If you like today's episode, then make sure to like this video and also subscribe to this channel for the regular crypto updates. Stay tuned for more videos. Bye-bye. Take care.